अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई माश दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ढाबा स्टाइल की दाल बनती है, तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वो एक पाव जितनी माश की दाल ले ली है मैंने, और इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था 2 से 3 घंटे। ठीक है, ये माश की दाल है एक पाव, और एक कप जितना ही हम इसमें ऑयल लेंगे। हम एक कप भर के ऑयल लेंगे, इसमें ज़्यादा ऑयल डलता है। और ये देखें, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए मैंने। 2 ही मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। 1 टीस्पून ऑफ पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 टीस्पून ऑफ जीरा और 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये दोनों साथ ऐड होंगे इसलिए मैंने साथ रखे हुए। और एक चिकन क्यूब है, और ये हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक है, ये हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये बात के इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सिंपल, मैंने अपने पैन के अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी मैं। आप इसके अंदर ऑयल ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा, एक कप जितना ही जाएगा इसके अंदर, क्योंकि माश की दाल के अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। और अब बस मैं सिंपल इसके अंदर ऑयल गर्म करके ना, मैं ये प्याज को मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं प्याज को अच्छा सा नाइस गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ठीक है, आप मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक पूरी देखा करें। मैं आपको इसके बीच में, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती रहती हूँ, मैं आपको अल्टरनेटिव्स भी बताती रहती हूँ कि आप क्या स्किप कर सकते हैं, आप क्या ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। जैसे ही मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हुई, वैसे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ज़ीरा ऐड कर दिया, अच्छे से उसको फ्राई किया। और अब मैंने ये चॉप टमाटर ऐड कर दिया, अब मैं इसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी। अब मैं इन चारों मसालों को, इन चारों चीज़ों को मैं एक साथ 5 मिनट तक भूनूंगी मैं मीडियम फ्लेम पर, कि मेरे टमाटर अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए और मेरा मसाला अच्छा सा रेडी हो जाए। ठीक है, कवर नहीं करना, मैं इसको ऐसे ही भूनूंगी जी। तो अब देखें, जैसे ही मेरा मसाला अच्छा भुन गया, वैसे ही मैंने इसके अंदर तीनों मसाले ऐड कर दिए। नमक मैंने इसके अंदर इसलिए बिल्कुल कम ऐड किया, क्योंकि चिकन क्यूब के अंदर भी हमारा नमक होता है अच्छा खासा, इसलिए मैंने बिल्कुल 1/2 टीस्पून जितना ऐड किया, उससे कम ही। तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक देख लीजिएगा। और ये देखें, मैंने एक चिकन क्यूब ऐड कर दी थोड़ी सी हाथ से क्रम्बल करके, और अब मैं इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब देखें, यहाँ पर मेरे 5 से 7 मिनट हो गए थे मसाले को भूनते हुए, और देखें यहाँ पर मेरा ऑयल भी ऊपर आने लग गया है और मेरा मसाला भी अच्छा सा रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। अब मैं आपको दाल की एक अच्छी सी टिप ये देती हूँ कि आप दाल को अपनी जितनी अच्छी भिगोएंगे ना, उतनी जल्दी आपकी दाल रेडी होगी। आप 4 से 5 घंटे भिगोएंगे तो आपकी दाल विद इन 20 मिनट्स रेडी हो जाएगी। आप 2 घंटे भिगोएंगे तो दाल का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, टोटली आपकी चॉइस है। ठीक है, अब देखिए, मैंने सिंपल मसाले के अंदर अपनी दाल ऐड कर दी। अब मैं इसको बस अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया, और मैंने इसके अंदर ये 2 गिलास जितना पानी ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखें, सिंपल मैंने 1 गिलास पानी डाला इसके अंदर। और अब ये मैंने, देखें, दूसरा गिलास भी मैं अभी डाल रही हूँ जी। देखें, मैंने दूसरा गिलास भी डाल दिया। अब बस इसी 2 गिलास पानी के अंदर ही कम्प्लीटली दाल कुक हो जाएगी मेरी। ये विद इन 20 मिनट्स मेरी आराम से कुक हो गई थी, क्योंकि मैंने इसको 4 घंटे भिगोया था, तो इसलिए मेरी दाल बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी बनी थी। अब बस मैं इसको सिंपल कवर करके जब तक कुक करूँगी, जब तक कि मेरी दाल अच्छी सी गल जाए जी। तो अब देखिए, जब मैंने 15 मिनट के बाद फ्लेम हटाया था, तो देखिए यहाँ पर मेरा अच्छा हल्का हल्का सा ऑयल भी ऊपर आने लग गया, पानी भी मेरा तकरीबन ड्राई आउट हो गया है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल पानी और ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट दाल बना रहे हैं, आपने भिगोई भी नहीं, तो आप बिल्कुल 2 गिलास से ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब देखें, बस सिंपल, अब यहाँ पर मेरी दाल अच्छी खासी गल चुकी थी। बस 5 मिनट मैंने इसको और कवर करके दम पर छोड़ा, ताकि इससे मेरी दाल का जो पानी थोड़ा बहुत रिमेनिंग, वो भी ड्राई आउट हो जाए और ऑयल भी हल्का हल्का सा ऊपर आ जाए। देखें, अब जब मैंने 5 मिनट के बाद लिड हटाया, तो देखिए यहाँ पर मेरा ऑयल भी हल्का हल्का सा ऊपर आने लग गया है, और देखें मेरी दाल भी कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी, अब ये मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई इस स्टेज पर ना। अब मैं इसके अंदर इतनी ग्रेवी रखूँगी ताकि ये एकदम से भुनी भुनी सी ना हो जाए, क्योंकि जब हम इतनी ग्रेवी रखेंगे ना, तो इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये इतनी मज़े की दाल बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल फ्लेवरफुल ये दाल बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, ये देखिए मेरी दाल बिल्कुल मज़ेदार से यहाँ पर रेडी हो गई है। अब मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्च ऐड कर दी, और सिंपल जूलियन अदरक ऐड कर दिया। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा, बिल्कुल अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, टोटली आपकी चॉइस है। ठीक है, देखिए कितनी मज़ेदार सी मेरी विद इन 20 मिनट्स के अंदर ये इजीली दाल रेडी हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती, क्योंकि माश की दाल थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है, इसलिए जब आप इसको भिगोएंगे अच्छे से, तो ये आपकी पकेगी भी अच्छी सी और जल्दी से कुक हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको पकाने में इसको। ठीक है, अब देखिए मेरी मज़ेदार सी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, ढाबा स्टाइल फ्राई माश दाल। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं।
और इस ढाबा स्टाइल दाल के मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मौजूद होते हैं, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मेरी इंग्रेडिएंट से रिलेटेड। ठीक है, देखें मेरी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए हल्की हल्की सी ग्रेवी भी आ रही है, ऑयल भी आ रहा है, इतनी मज़े की लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको लंच में, डिनर में, जैसे चाहें आप इसको वैसे सर्व कीजिएगा, रोटी के साथ, राइस के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक।